तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे टेलीकॉम से दुर्गेश और मैं आज आपको सॉफ्टवेयर में जो हमारा कंटेंट होता है मैं उस कंटेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा अनलॉक टूल की पूरी डिटेल कि आप कैसे उसको डाउनलोड करना है, क्या सारी चीज़ें कहाँ से डाउनलोड करते हैं, और एक मीडिया टेक का जो टैब है उसको मैं फुल डिटेल करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं अभी आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप को इंस्टॉल करना है, कैसे रजिस्टर करना है, ये भी थोड़ी थोड़ी छोटी चीजें मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पे अनलॉक टूल के बारे में तो देर ना करते हुए सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है इसका सेटअप। तो कैसे सेटअप डाउनलोड करना है, सिंपल सा आपको गूगल में लिखना है unlocktool.net, आपको लिखना है unlocktool.net। तो मैं यहाँ पे unlocktool.net लिख लेता हूँ। तो जैसे आप unlocktool.net लिखोगे तो आप पहले ही साइड में पहुंच जाओगे। तो आपको यहाँ पे unlocktool.net के साइड में चले जाना है। वहां पे जाने के बाद मैं एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइड में आप पहुंच गए, unlocktool के साइड में आप पहुंच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कॉर्नर पे आप रजिस्टर्ड पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड कराना है, ये आपको कोई भी डोंगल नहीं है, ये आपका 3 महीने 6 महीने और 1 साल का रजिस्टर्ड होता है, एक्टिवेट होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यूजर नेम आप कुछ भी डाल दो, जो भी आपका नाम हो आप उन पे नाम टाइप कर लो। उसके बाद अपना एक जीमेल यहाँ पे डाल दो, उसके बाद एक पासवर्ड यहाँ पे डाल दो। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या 8 कैरेक्टर्स के पासवर्ड यहाँ पे डालने हैं आपको। तो यहाँ पे पासवर्ड फिर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इससे आपका अनलॉक टूल में आप एक्टिवेट कर पाओगे। और जब आपको अनलॉक टूल किसी भी यूजर, किसी भी आप डीलर से खरीदोगे, जेडएस मलिक का हम डिस्क्रिप्शन में नंबर भी देंगे, आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं, बाकी आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको देना क्या है किसी भी डीलर को, केवल अपना जो आपने यूजर नेम बनाया है और केवल अपना जीमेल। आपको पासवर्ड नहीं देना है, केवल आपको जो आपने इसकी आईडी बनाई है, यूजर नेम और आपका जीमेल देना है और आपका वो जो अनलॉक टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ डाउनलोड का। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड का बटन, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन होगा, मैंने इसके एरर्स के भी वीडियो डाला हुआ है कि अगर आपका अनलॉक टूल नहीं खुल रहा है, एरर्स आ रहा है, तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं और भी हमारे चैनल पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल और सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड नाउ, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड नाउ। आप इसको 2-3 तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला गूगल ड्राइव लिखा है, दूसरा मीडिया फाइल लिखा है, तीसरा आपका डाउनलोड नाउ। ये तीनों ही सोर्सेस से आपका जो टूल का सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने फिलहाल यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। इसको आपको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद जब आपका अनलॉक टूल एक्टिवेटेड होगा तो ये प्रॉपरली तरीके से ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा अकाउंट एक्टिवेटेड है, तो मैं अब आ जाता हूँ सीधा अनलॉक टूल पे आ जाता हूँ गाइस। और अनलॉक टूल का जो भी इंटरफेस है, जितना भी इंटरफेस है, मैं सारे डिटेल में तो नहीं बता सकता इस वीडियो में। आपको ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा जिससे आपको ये सारे टैब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक टैब हम विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं अपनी क्लास के लाइव में। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है जो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए ये अनलॉक टूल का मैं सारे टैब यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ, मैं मेन टॉपिक कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे MTK का टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मेन टॉपिक यहाँ पे मैं MTK का कवर करने वाला हूँ। तो बहुत सारी ये जो टूल है गाइस, ऐसा नहीं कि केवल MTK CPU को सपोर्ट कर रहा है, ये केवल Qualcomm CPU को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये आईफोन तक भी सपोर्ट कर रहा है, स्पेक्ट्रम को भी अपग्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे फास्ट बूट मोड मिल जाता है, ADB, बहुत सारे टैब है। मैं इतना टैब आपको एक वीडियो में तो नहीं बता सकता गाइस, इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। नॉलेज तो सभी देते हैं, मैं अभी आपको फाइलों के साथ नॉलेज दूंगा और आपको कुछ शायद हो सके मैं आपको नया भी देने की कोशिश करूंगा कि जो इसमें फंक्शंस हैं लोग यूज नहीं कर पा रहे और सोचते हैं काम नहीं कर रहा है, तो वो उनकी गलती है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में पूरा खुल के बताने वाला हूँ आपको पूरी डिटेल, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा। मैं हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि गलती करते हैं टेक्नीशियंस। तो चलिए फटाफट मैं केवल एक MTK वाले को करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे मॉडल, 90% मॉडल यहाँ पे सपोर्टेबल है, जैसे MI, Samsung, Huawei, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप इजीली अगर मैं इस टाइप पे बात करूँ तो देखिए ADB, Fastboot, Test Point, RAM, डिवाइस मैनेजर, मतलब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस मैनेजर डायरेक्टली खुल जाएगा। अभी आपका डिवाइस मैनेजर भी ओपन हो जाएगा।
ये ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए हमारा डिवाइस मैनेजर भी ओपन हो चुका है वन क्लिक में। उसके बाद मैं अगर बात करूं यहाँ पे टेस्ट पॉइंट, तो टेस्ट पॉइंट ये भी बहुत अच्छा एक फंक्शन है, क्योंकि किसी फोन का आपको वीडियो टेस्ट पॉइंट जानना है या फिर उसका ब्राउन मोड टेस्ट पॉइंट जानना है, तो आप आईएसपी पिनआउट तक जानना है, तो ये आपको यहाँ से प्रोवाइड करा देते हैं। तो देखिए फिलहाल मैं किसी का भी हवाई का या फिर किसी का भी एक मॉडल का टेस्ट पॉइंट देख लेता हूँ, हवाई का कोई भी मॉडल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, नाइन लाइट मैंने ले लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो टेस्ट पॉइंट है, इसका जो टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉलर पे एकदम क्लियर वॉइस, जैसे कि आप गूगल पे जाओगे तो हो सकता है इतना क्लियर वॉइस आपको फोटोज ना मिले, पर यहाँ पे आपको क्लियर वॉइस फोटोज भी मिल जाती है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब क्लोज करने के बाद अब आ जाते हैं अपने मेटा टेक्स्ट सेक्शंस के ऊपर, तो जो कि मैं इसको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें केवल आपको मैं दो ही काम जो कि मैं क्लास में भी यही सिखाता हूं और आपको फुल इस वीडियो के माध्यम से भी समझाना चाहता हूं। केवल हमारा सॉफ्टवेयर में दो ही काम होता है और दो काम आपको करना भी है, ओनली फ्लैशिंग और अनलॉकिंग। तो मैं पहले फ्लैशिंग कवर करूंगा, उसके बाद मैं अनलॉकिंग कवर करूंगा। अनलॉकिंग में भी आपको ऐसा कवर करूंगा कि कौन सा फोन विदाउट डाटा लॉस आप कर सकते हैं, कौन सा विद डाटा लॉस कर सकते हैं, मैं ये भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे फ्लैशिंग जब आप करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन का भी मसला मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूं। तो मतलब गाइस ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है, तो इसको पूरा आप गाइड करिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट हमने सीधा अनलॉक टूल खोला, इंटरफेस को थोड़ा बहुत बता दिया, उसके बाद आगे सीधा मीडियाटेक में। तो मीडियाटेक में आके आप देखेंगे कि तीन टैब दिया गया है, एक फ्लैश का दिया है, एक मेटा का दिया है और एक एमटीके यूनिवर्सल। तो मैं ये तीनों फंक्शंस को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए तो सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको दो ही काम इसमें बताया है, पहला आपको फ्लैशिंग करना है गाइस, दूसरा आपको अनलॉक करना है, तीसरा चौथा कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं करना है, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्लैशिंग में आता हूँ। अब बात आती है कि सर यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन, अब मैं भी ओएफपी फाइल के भी बारे में भी बात करने वाला हूँ, मतलब आप कंप्लीट वीडियो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्लैश पे जाना है, फ्लैश पे जाने के बाद देखिए पार्टीशंस की टैब यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये टैब तब आपको शो होंगे, पार्टीशन तब शो होंगे जब यहाँ पे मैं फाइल को डाल दूंगा, जब यहाँ पे फाइल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा तब जाके यहाँ पे पार्टीशन शो हो जाएंगे। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ लिखा है स्क्रिप्ट प्रीलोडर। अब जो स्क्रिप्ट प्रीलोडर क्या होता है गाइस, आपका ये फर्स्ट लोगो फर्स्ट बूट की फाइल होती है। अगर आपको लगता है कि फोन आपका डेड हो सकता है, अगर आपको लगता है कि हमने गलत वर्जन की फाइल ले ली है, हम यहाँ तक स्टूडेंट को बताते हैं कि अगर आपके 10 फाइल है उस 10 में से कौन सी एक फाइल डाउनलोड करनी है वो पूरा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको लगता है कि स्क्रिप्ट प्रीलोडर, आपको लगता है कि इस फाइल से फोन हमारा डेड हो सकता है, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रीलोडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी फाइल आपने रीड इन्फो करके आपने टेस्टेड फाइल डाउनलोड की है तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रीलोडर नहीं भी कर सकते। दूसरा टैब है फॉर्मेट ऑल, तो फॉर्मेट ऑल आपको सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद तीसरा टैब है यहाँ पे ऑथ बाईपास। अभी ऑथ बाईपास क्या है गाइस कि जब हम अगर एसपी फ्लैश टूल से करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको ऑथ को बाईपास करना होता है, जिससे हमें एमटीके यहाँ पे बाईपास टूल यूज एमसीटी बाईपास टूल यूज करना होता है, पर यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा और सीधा हमें करना है ऑथ बाईपास पे क्लिक कर देना है और आपको वन टाइम में ही आपका प्रोसेस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एमटीके फ्लैश पे गए, एमटीके पे गए, फ्लैश पे गए, अपना ऑथ बाईपास पे क्लिक कर लिया। अब आ रहा है यहाँ पे सर्वर। तो गाइस जो सर्वर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो सर्वर है आपको मैं बता दूं ऐसा नहीं कि ये ऑनलाइन चल रहा है या ऑनलाइन वाले फोन को ऑफलाइन फ्लैश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सर्वर मैं आपको बता दूं ये जो सर्वर है ये आपका मॉडल और ब्रांड सेलेक्ट करता है, ये आपका मॉडल और ब्रांड लोडर सेलेक्ट करता है। क्या सेलेक्ट करता है गाइस? लोडर सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पे ब्रांड आप जिस किसी फोन को फ्लैश करना चाहते हैं तो अपना यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फिलहाल आपको यहाँ पे समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सब कुछ आपको क्लास में मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक Xiaomi सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जाना है अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैं एक 6A की फाइल आपको दिखाऊंगा अभी लोड करके, तो मैं यहाँ पे 6A की फाइल एक लोड कर देता हूँ। फिलहाल आप कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल मैंने 6A ही सेलेक्ट कर लिया, अपना ब्रांड और मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे भी बात करने वाला हूँ गाइस कि अगर हमारा ब्रांड या मॉडल ना हो या ब्रांड है मॉडल ना हो तब हमें क्या करना है, तो मैं वो भी कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये आपको डीप नॉलेज हो सकता है आपको अनलॉक टूल के ऊपर ना मिला हो, या फिर मैं ये जो दे रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइए और जल्द से जल्द एसर टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको हार्डवेयर का नॉलेज, सॉफ्टवेयर का नॉलेज, एमएमसी का नॉलेज विद प्रैक्टिकल पूरा मिले।
तो हमने क्या क्या कर दिया, रिमाइंड कर लेते हैं, एमटीके पे गए, फ्लैश पे गए और बाईपास किया, सर्वर गया, सर्वर को मैंने समझा भी दिया, ब्राउन मॉडल नहीं है तो भी क्या करना है, है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है, अभी है तो कर रहे हैं, नहीं होगा तो कैसे करना है, वो भी बताना चाहता हूं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे स्केटर फाइल, तो यहाँ पे स्केटर फाइल को आपको जाना है, यहाँ पे करना है लोड स्केटर, जो कि मैंने डेस्कटॉप पे फाइल रखी हुई है। अब फाइलों का हर एक डिटेल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इसे टेलीकॉम, ये तो बेसिकली आपको सारा कुछ मैं आपको फ्लैशिंग और अनलॉकिंग का मेथड पूरा बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, हमारी जो फाइल रखी हुई है वो डेस्कटॉप पे रखी हुई है, डेस्कटॉप में देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कस्टर्ड की फाइल यहाँ पे रखी हुई है, तो मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैं इमेज को डबल क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद ये देखिए स्केटर फाइल, ये हमारी स्केटर फाइल देख रही है, इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप डबल क्लिक यहाँ पे फाइल को लोड कर दोगे आप, तो यहाँ पे सारे पार्टीशन शो हो जाएंगे, यहाँ पे सारी फाइल पे इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी, हर एक चीज यहाँ पे आपको शो हो जाएगा गाइस। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फाइलों के डिटेल ऊपर से बता देता हूँ आपको, जो ये प्रीलोडर है जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्क्रिप्ट प्रीलोडर, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी अनटिक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमारी फाइल गलत वर्जन की है, इस फाइल से डेड हो सकता है, तो आप कर सकते हैं सीधा सीधा स्क्रिप्ट प्रीलोडर, जिसमें आपका डेड रिस्क खत्म हो जाएगा। अगर आप लगता है कि फाइल स्योर है तो स्किप कर दो, बट अगर आपका फोन फुल्ली डेड है तब आपको स्क्रिप्ट प्रीलोडर नहीं करना है, तब आपको मस्ट बी टिक रहने देना है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट फोन आपका फर्स्ट बूट नहीं होगा तो आपका काम नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पे आपको टिक रहने देना है तब जब आपका फुल डेड हो और फोन पोर्ट बना रहा हो, बट अगर आपका फोन लोगो पे है और आपको डाउट है कि इस फाइल से डेड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रीलोडर कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि गाइस की, अगर कस्टमर कहता है कि सर हमें डाटा बचाना है, अगर आपको यहाँ पे मैं बात करूं कि कस्टमर कहता है कि सर हम क्या डाटा बचा सकते हैं फ्लैशिंग टाइम में, तो जी हाँ, आपको करना क्या है, सबसे नीचे आना है, यहाँ पे सबसे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए यूजर डाटा लिखा हुआ है, यूजर डाटा को आप अनटिक कर दोगे, तो अगर आपका फोन लोगो पे है और किसी टेक्नीशियन ने नहीं छेड़ा है या फिर वो फोन हार्ड रिसेट नहीं हुआ है, तो वो फोन आप उसका डाटा बचा सकते हो। अगर वो फोन लोगो पे है, आप इसको यूजर डाटा को अनटिक कर दोगे, तो वो फोन एट जी जैसा था वैसा ही प्रॉपर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको डाटा बचाना है तो अनटिक कर दीजिए, और डाटा नहीं बचाना है तो उसको आप टिक रखिए। चलिए, ये तो आपको फाइल सिलेक्शन हो गया कि आप डाटा बचा सकते हैं कि आपका फोन डेड रिस्क, ये मैंने दो चीज यहाँ पे कवर किया हुआ है। फिर आपने फाइल लोड कर दिया, अब देखिए यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे और बाईपास मैंने कर दिया फ्लैश पे, अब सिंपल सिंपल आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे और फाइल भी होती है, ऑनलाइन वाले जो फोन होते हैं उसमें अगर आप एसपी फ्लैश 2 से करते हैं, सोमी का फोन हुआ, तो यहाँ पे आपको एक फाइल को अनटिक करना होता है, नहीं तो भी आपका फ्लैश नहीं होगा। ये टूल इतना बेटर है कि आपको कोई सी भी फाइल टिक अनटिक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एनटीके में जाना है, फ्लैश पे जाना है, आपको और बाईपास पे क्लिक करना है, सर्वर पे क्लिक करना है, ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट करना है, फाइल लोड स्कैटर करना है और सिंपल फ्लैश पे क्लिक कर देना है, जिसमें आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी गाइस। तो गाइस, जब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये सारा एक्सप्लेन मैंने जो आपको किया यहाँ पे, तो आप सिंपल और सिंपल यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर दोगे और आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी गाइस। तो अब यहाँ पे मान लीजिए, सपोज कि आपका यहाँ पे मॉडल तो है और ब्रांड तो है पर मॉडल नहीं है, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे मॉडल तो था, ब्रांड तो था पर यहाँ पे मॉडल नहीं है, तो सर हम कैसे करना है या नहीं करना है क्या? नहीं सर, करना है हमें, क्योंकि ऐसा भी है कि यहाँ पे अगर आपका ब्रांड मॉडल नहीं है तो आपको मीडियाटेक सीपी को फ्लैश नहीं करना है, करना है आपको सिंपल और सिंपल आ जाना है एमटीके यूनिवर्सल में आ जाना है। एमटीके यूनिवर्सल में आने के बाद गाइस, मैं आपको बता दूं, एमटीके यूनिवर्सल में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्केटर और डंप फाइल, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्केटर और डंप करके आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइस। अब यहाँ पे जो भी मीडियाटेक फोन है, जो भी स्केटर फाइल है, आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं, जो भी स्केटर फाइल आएगी आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। सिंपल और सिंपल यहाँ पे जाना है और जहां पे हमारी स्केटर फाइल रखी हुई है जिस किसी फोन का, आपको यहाँ से डायरेक्टली सपोर्ट कर देना है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप ओप्पो रियलमी की फाइल, अगर मीडियाटेक सीपीयू की फाइल अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें ओएफपी फाइल आती है गाइस। अब ओएफपी फाइल को स्ट्रैक करने के लिए आपको एमसीटी ओएफपी स्ट्रैकर यूज करना पड़ेगा, एमसीटी स्ट्रैकर आपको यूज करना पड़ेगा टूल, या तो आप यूएफटी से कर सकते हैं, या तो इस टूल से भी कर सकते हैं, या तो यूएफआई से, तब जाके जब आप उसको ओएफपी में, आपको पहले दिखा दूं कि ओएफपी दिखता कैसे है, कि आपने फाइल को डाउनलोड किया गाइस, यहां पे मैं अगर आपको बताऊं तो फाइल ये हमारी फाइल है, इसको मैंने स्ट्रैक किया हुआ है, तो देखिए मैंने स्ट्रैक किया हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी फाइल है, ये हमारा सीपीएच 18 1827 है, अब इसके अंदर देखते हैं कौन सी फाइल है, इसको ओपन करता हूँ।
तो जैसे आपने ओपन किया गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे ओएफपी फाइल दिखाई दे रही है। अब ओएफपी फाइल तो किसी मिलेगा नहीं, ना यो फाइल मिलेगा, ना यूएमटी मिलेगा, ना अनलॉक टूल मिलेगा, बट ये अनलॉक टूल। अब इस फाइल को क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है गाइस। आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तब जाके ये अगर मीडियाटेक सीपीयू हुआ तो स्कैटर में आएगा, क्वालकॉम सीपीयू हुआ तो फायरस.नेम में ड्रॉ पैच में आएगा। तो फिलहाल हम इसे एक स्टेप बचने से आपको यहाँ पे सिंपल और सिंपल आपको आना है अनलॉक टूल में। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप सीधा अनलॉक टूल पे आइए। अनलॉक टूल पे आने के बाद आपका जो ये ओएफपी फाइल है गाइस, जो आपकी ओएफपी फाइल है, सीधा एमटी के यूनिवर्सल में आइए और यहाँ पे आइए, अपने फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करिए फोल्डर को, और जहां पे आपकी फाइल है। अब मैं ओएफपी फाइल को स्ट्रेक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको फ्लैश करने का मेथड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद देख सकते हैं हमारा ये सीपीएच जो हमने अभी आपको फाइल दिखाई थी ओएफपी, ये देखिए वही हमारा फोल्डर है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, ये अब देख सकते हैं ओएफपी फाइल। ओएफपी फाइल दिखाई दे रही गाइस। अब यहाँ पे ओएफपी फाइल जो हमारी दिखाई दे रही, इसको आपको कर लेना है डबल क्लिक सेलेक्ट। तो जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये देखिए पूरी की पूरी फाइल आपको यहाँ पे आ गई, पूरी की पूरी फाइल आपको यहाँ पे आ गई गाइस। बिना स्ट्रेक किए हुए आप, अगर आपका ब्रांड मॉडल नहीं है तो भी स्केटर को डायरेक्ट दे सकते हैं, अगर वो ओएफपी फाइल है तो भी दे सकते हैं, फुल डंप है तो भी आप यहाँ पे दे देंगे। मीडियाटेक सीपीयू आपका यहाँ पे पार्टीशन शो हो जाए, आपके यहाँ पे सारे पार्टीशन शो हो जाएंगे गाइस। यहाँ पे आपके सारे पार्टीशन शो हो जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। प्रीलोडर की बात करें, वही आपको लगता है डेड रिस्क तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको अनटिक, और यूजर का डाटा बचाना है तो सबसे नीचे आइए और उसको कर दीजिए यूजर डाटा को अनटिक। तो यहाँ से भी आप डाटा बचा सकते हैं और डाटा बचा नहीं सकते है। तो ये था फिलहाल। अब जैसे हमारी फाइल लोड हो जाएगी, कोई बाईपास करने की जरूरत नहीं, कुछ यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं, सिंपल और सिंपल यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देना है और बहुत इजीली तरीके से एनी मीडियाटेक सीपीयू को आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो, जो कि शायद ये आपको लगता होगा ये टैब कैसे यूज करना है, नहीं करना है, अगर आप सीख पा रहे हो तो। अगर आपको और इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको परफेक्ट तरीके से और भी काफी नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल हमें यहाँ पे कर देना है। अब ओएफपी फाइल जो होती है वो ऑनलाइन वाली फाइल है, ऑफलाइन का फाइल ऐसा कोई भी मसला नहीं है। आप सिंपल उसमें फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, वेटिंग फॉर डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप फ्लैश पे क्लिक करोगे यहाँ पे वेटिंग फॉर यूएसबी या वेटिंग फॉर डिवाइस के लिए बोलेगा, तो सर फिर उसके बाद फोन को आपको कनेक्ट करना है, अप डाउन या अप डाउन दोनों, या तो डायरेक्ट, ये चार तरीके से आपको फोन को कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया वेटिंग फॉर डिवाइस, अब आपको फोन को कनेक्ट कर देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्ट। तो ये तो था गाइस हमारा फ्लैशिंग का था, कि हम फ्लैशिंग कितने वे से और कहां कहां से कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्लैशिंग का टैब, जो कि मैंने आपको मीडियाटेक का हर एक चीज समझाया। सबसे पहले मैंने आपको फ्लैशिंग फ्लैश टैब से समझाया, फिर मैंने एमटीके यूनिवर्सल समझा दिया। अब बात आती है अनलॉकिंग की, बात आती है तो सबसे पहले इसी इंटरफेस को मैं आपको बता दूं, मैं इसी यूनिवर्सल, पहले तो मैं मेटा में चला जाता हूँ, उसके बाद मैं एमटीके यूनिवर्सल में आकर के आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो मेटा में जाने के बाद आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे लिखा है मेटा मोड, क्योंकि जो हमारा मीडियाटेक सीपीयू है वो दो मोड से काम करेगा आपका, मेटा और ब्रॉन। मेटा और ब्रॉन, जिसको ब्रॉन मोड को ही हम फ्लैश मोड बोलते हैं, मेटा और ब्रॉन। तो ये सारे टैब ब्रॉन और मेटा में काम करता है। तो फिलहाल मेटा में आपको काम करने के लिए कोई अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपका जो फोन कनेक्ट होता है वो आपका ब्रॉन मोड में ही कनेक्ट होता है, मेटा आपका टूल ले जाता है। मेटा के लिए आपको सबसे मस्त बैटरी आपकी चार्ज होनी चाहिए और बैटरी आपकी लगी होनी चाहिए। अगर आपका बैटरी नहीं लगा है तो आपका मेटा मोड में फोन नहीं जाएगा, आपको कनेक्ट करना है ब्रॉन मोड में ही। तो ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा फैक्ट्री सेट 1, फैक्ट्री सेट 2, फैक्ट्री सेट यूएफएस, फैक्ट्री सेट एमएमसी, फैक्ट्री सेट एंड्रॉइड 11, तो आप इसको मेटा मोड से एनी फोनों को आप यहाँ पे आप फोन को रिसेट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क वाइप डाटा कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एमटीके यूनिवर्सल में, मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पे गाइस आपको मैं बता दूं, मैंने तो एक टैब आपको फ्लैशिंग का बता दिया, अब जितने मैं सारे टैब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जो भी टैब आपके काम के केवल मैं वही टैब बताना चाहूंगा, और भी एक्स्ट्रा आपको टैब बताने की कोशिश नहीं करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज दिख रही है, एक जेनरिक दिखाई दे रहा है, एक स्पेशल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे नोटिस करोगे एक जेनरिक दिखाई दे रहा है और यहाँ पे स्पेशल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं जेनरिक में बात कर लेता हूँ कि आपको क्या क्या चीज टाइप करना है, उसके बाद मैं आपको स्पेशल में भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज आपको कर लेना है। आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा फॉर्मेट डाटा। तो सर अगर आपका कोई सा भी फोन आपका मीडियाटेक सीपीयू है और वो आपका फॉर्मेट नहीं हो रहा है रीजन, तो आप यहां से एक बार ट्राई कर सकते हो फॉर्मेट डाटा, इसमें आपका डाटा नहीं बचेगा, पूरा का पूरा डाटा लॉस हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है सेकंड इरेज एफआरपी, क्या लिखा हुआ है गाइस, इरेज एफआरपी लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉइंग का यूज कर लेता हूँ,
आपको थोड़ा सा ड्राइंग के बेसिस पे भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको लिखा है यहाँ पे फॉर्मेट डाटा। क्या लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे? फॉर्मेट डाटा। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट डाटा कर ले, उसके बाद आपको मैं बता दूं इरेज एफआरपी। अब एफआरपी तब लगती है गाइस जब वो फोन हार्ड रीसेट हो जाता है। अगर वो फोन फॉर्मेट नहीं हो रहा है तो एफआरपी में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट डाटा करना है। तो जब वो फोन अगर फॉर्मेट हो जाता है तो मीडियाटेक सीपीयू में किसी भी ब्रांड में आपको एफआरपी लगती है तो आप यहाँ पे मीडियाटेक की एफआरपी इजीली तरीके से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद फ्लैशिंग का तो टैब हमने यहाँ पे आपको बता ही दिया कि आप यहाँ से इसको फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद में अगर और भी बात करूं यहाँ पे, तो रीलोडर यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी और बाईपास का एक ऑप्शन दिया हुआ है, पर ये आपको ट्राई नहीं करना है। सिंपल और सिंपल आपको फ्लैश पे क्लिक कर देना है। वो ये टूल इतना स्मार्ट है कि ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, आपको बाईपास कर लेगा। वो ऑनलाइन फोन है, ऑफलाइन फोन है, वो ऑटो डिटेक्शन कर लेता है। बट अगर आपका एक बार नहीं होता है तो यहाँ पे आप ऑथ बाईपास को कर सकते हैं। तो ये टैब था यहाँ पे जेनरिक में मैंने बताया, जो कि आपको यहाँ पे इस टैब में काम करना है। क्लियर है गाइस? अब उसके बाद में अगर बात करूं, यहां पे इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब आता है हमारा स्पेशल, अब आता है हमारा यूनिवर्सल का स्पेशल टास्क आता है। अभी हमारा टॉपिक और चलेगा कि अभी अनलॉकिंग का भी प्रोसीजर मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने बताया था कि मीडियाटेक का मैं ए टू जेड कवर करने वाला हूं। मैंने फ्लैशिंग का बता दिया, अनलॉकिंग का चल रहा है। अब यहां पे जो पहला टैब मैं फिर से उठा लेता हूं, मार्क, यहां पे मैं मार्क उठा लेता हूं। मार्क उठाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला लिखा हुआ है ओप्पो की आईडी। हालांकि सब नहीं लगाते हैं, पर बेसिकली जैसे होनर की आईडी देखते हैं, एम आई अकाउंट देखते हैं, तो वैसे ही ओप्पो में भी आईडी लगता है। तो आप एनी ब्रांड का यहाँ से आप बिना किसी मॉडल और ब्रांड सेलेक्ट किए हुए आप यहाँ पे ओप्पो की आईडी भी रिसेट कर सकते हैं। सेकेंड टैब है हमारा ओप्पो का फिक्स डीएल। ये डीएल एरर जो हमारा आता था, जैसे पुराने फोनों को एमटीके सीपीयू को आप जब फ्लैश करते थे या फिर अनलॉकिंग करते थे, अनलॉकिंग के टाइम पे अगर आप कभी देखा होगा कि डीएल इमेज करके एक एरर आ जाता था, तो आप इमीडिएट एक फोन का आप वहां पे फिक्स डीएल कर सकते हैं, जो कि एक टूल में हर एक टैब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल का है। उसके बाद में बताऊं रिमूव डेमो। आपको ओप्पो और वीवो में डेमो फोन आते हैं, जो कि जैसे प्रमोशन के लिए फोन आते हैं, उसमें लॉक लगा रहता है, वो एक दो महीने बाद होते हैं। तो आप यहाँ पे अगर मीडियाटेक सीपीयू है गाइस, तो आप यहाँ से डेमो भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका मीडियाटेक सीपीयू है तो आप यहाँ से डेमो को भी अनलॉक कर सकते हैं। आपको सारा टैप करना है यहाँ पे प्रैक्टिकल। उसके बाद नीचे जो टैब है हमारा ओप्पो रिसेट फिक्स कन्वर्ट, जो कि आपका काम का टैब है, बस मैं वही एक्सप्लेन करूंगा, बाकी अदरवाइज आपको काम नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है वीवो आईएमए, ये हम सपोर्ट एसए टेलीकॉम आईएमए पे कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जैसे ओप्पो का डेमो लॉक था, वैसे यहाँ पे वीवो का भी डेमो लॉक। मैं आपको जैसे ओप्पो का आपने देखा था, तो वहां पे वीवो का भी फोन डेमो में आता है, तो उसको भी अगर मीडियाटेक सीपीयू है आपका, तो आप वहां पे इजीली इसको अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे रिसेट एमआई अकाउंट। अब ये मेन टॉपिक आ गया गाइस, जो कि यहाँ पे जो कि ये टैब है, मैं यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल का टैब है गाइस, मैं आपको बताऊं ये जो मीडियाटेक का यूनिवर्सल का टैब है, बहुत ही कमाल का टैब है ये। आपको मीडियाटेक यूनिवर्सल में जाने के बाद, स्पेशल में जाने के बाद, आप अगर आपने देखा होगा या नोटिस भी किया होगा गाइस कि रेडमी 9A 9C की एमआई अकाउंट मीडियाटेक सीपीयू की आप नहीं हटा पा रहे होंगे। UMT में भी एरर आ रहा होगा, अनलॉक टूल में भी एरर आ रहा होगा। मैं प्रोसीजर भी बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो एरर आने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो अभी भी कुछ लोग फाइलों का यूज करते हैं, अनलॉक फाइल का यूज करते हैं, पर नहीं, उसमें रिस्क रहता है कि अगर आपने गलत फाइल को सेलेक्ट कर लिया तो आपका फोन डेड होने का भी चांस रहता है। गाइज मैं आपको बता रहा हूँ 99% आपका काम करेगा। अगर आपका कोई भी मीडियाटेक का फोन है और वो UFS लगा हो या UMC लगा हो, अगर वो MI अकाउंट रिमूव नहीं हो रहा है, तो सिंपल और सिंपल आप सीधा यहाँ पे जाइए, यूनिवर्सल में जाइए और सीधा यहाँ पे कर दीजिए रिसेट MI क्लाउड। यहाँ पे आप सीधा रिसेट MI क्लाउड कर देंगे गाइस, तो यहाँ से आपका 99% और 9A में या 9C 9A में आप फंस रहे हो, तो सीधा और जाना यहाँ पे ये टैब यूज करना, आपका 90% MI अकाउंट रिमूव हो जाएगा चुटकी में गाइस। अब उसके बाद डिसेबल एमआई अकाउंट, दो ऑप्शन दिए गए, एक रिसेट पहला और दूसरा आपका डिसेबल। तो आप सबसे पहले आप डिसेबल यूज करें, नहीं आता है तो फिर आप रिसेट करेंगे।
सबसे पहले आप डिसेबल यूज करेंगे, उसके बाद आप करेंगे रिसेट गाइस। तो ये आपको जो ये जो टूल है, ये जो MI अकाउंट का टूल है गाइस, ये आपका बहुत ही आप जैसे आप गए, अभी मैं बताऊंगा आपको कि MI में गया, मॉडल सेलेक्ट किया और MI अकाउंट डिसेबल किया, एरर आ गया, नहीं हो रहा है, तो आपको ये यूज करना है गाइस। FRP किसी मॉडल का नहीं रिमूव कर रहा है, तो आप जर्नी में जाके आपको FRP रिमूव करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊं एक ऑप्शन, इसमें मैं और बताना चाहता हूं कि ये जो ऑप्शन है KG लॉक, ये जो फाइनेंस वाले सब लॉक्स होते हैं, अगर आपका फोन MediaTek CPU है और उसमें KG लॉक लगा हुआ है, तो आपको सीधा MTK यूनिवर्सल में जाके स्पेशल में जा करके आप सैमसंग का KG लॉक रिमूव कर सकते हैं। ओनली MediaTek CPU, सैमसंग का फोन है और उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो MediaTek का है, और यहाँ से आप जा करके इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने हवाई का भी डाला हुआ है ID, जैसा कि मैं हवाई का आपको ID बताऊं कि जैसे MI अकाउंट होता है, ओप्पो ID होता है, वीवो ID होता है, वैसे हवाई का भी ID होता है, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो मैं कंप्लीट वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे कि मैंने शुरू से लास्ट तक भी बताया था, फुल डिटेल के साथ, फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ यहाँ पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको क्लोज, यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्लोज। तो ये तो था गाइस यहाँ पे मेटा यूनिवर्सल और इसका, क्योंकि मैंने एक टैब को यहाँ पे फुल एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। अब यहाँ पे मैं बात करूं, अगर अनलॉकिंग की बात करूं, रिसेट की बात करूं, डाटा बचाने की बात करूं, विदाउट डाटा लॉस की बात करूं, तो मैं चलिए किसी भी फोन को आपको अनलॉक करना है तो सीधा आपको ब्रांड में जाना, सीधा उसका ब्रांड ऊपर दिया गया है। फ्लैशिंग का टाइम मैंने आपको MediaTek का बता दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज हमारे पास कोई वीवो का एक फोन आया, मैं वीवो में क्लिक कर लेता हूँ। पहले वीवो से क्लिक करने के पहले जो मैंने MI अकाउंट के बारे में बताया वो बता देता हूँ आपको। तो सीधा MI पे गए, MI पे जाने के बाद सिक्योरिटी में गए, सिक्योरिटी में जाने के बाद वही मैं मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। वहां पर गाइस मैं यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमारा था 9C। तो देख सकते हैं यहाँ पे 9C मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखा है ब्रॉन, ब्रॉन का मतलब MediaTek CPU, Intel लिखा होगा तो Qualcomm CPU गाइस। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 9C, यहाँ पे देख सकते हैं 9C को मैंने सेलेक्ट कर लिया। 9C मैंने क्या क्या किया गाइस, सीधा यहाँ पे सर्च में सिक्योरिटी में गए, अपना मॉडल डाला, 9C ले लिया। 9C लेने के बाद देखिए डिसेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, डिसेबल MI अकाउंट, ये देखिए लिखा है रिमूव MI अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, डिसेबल OTA अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप इसको करते हैं तो आपका फैल हो जाता है, आपका काम नहीं करता है गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपका यहाँ से ये फंक्शंस काम नहीं करता है, FRP रिमूव नहीं हो रही है, तब आप क्या करोगे, नहीं होता होगा, तब आपको जाना है सीधा सीधा MTK में जाना है, और वो जो मेथड मैंने बताया था वो आपको सेलेक्ट करना है, 100% जॉब डन हो जाएगा। अब मैं वीवो की बात करता हूँ कि डाटा लॉस या वीवो की नहीं, ओप्पो वीवो टेक्नो मेजूस ये लेनोवो वगैरह वगैरह जितने भी फोन है, ओनली मैं MediaTek की बात अभी कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा, अगर मैं सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन करने चलूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, जिसमें आप इतनी बड़ी वीडियो शायद ना भी देखो, पर जो नॉलेजेबल बंदा है वो अभी तक वीडियो को जरूर देख रहा होगा, पूरे टैब को, एक एक टैब को देख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं बात करूं अनलॉकिंग की, विदाउट डाटा लॉस की, विद डाटा लॉस आप देख करके बता सकते हो कि किस फोन का डाटा बचा सकते हैं, किस फोन का डाटा बचा नहीं सकते है। तो चलिए मैं कोई पर्टिकुलर मॉडल सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा मॉडल्स को, नंबर को, और मैं आपको बताऊंगा कि किस फोन का आप डाटा बचा सकते हैं, और देखते ही ट्राई करके नहीं गाइस, देखते ही आप बता दोगे कि आप किस फोन का डाटा बचा सकते। लिखा हुआ है ब्राउन और ईडीएल लिखा हुआ है, ब्राउन मतलब MediaTek और ईडीएल मतलब Qualcomm CPU। तो चलिए मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ, यहाँ पे डाउन करते चला जाता हूँ। मैं आपको देखते ही बताऊंगा कि किस फोन का विदाउट डाटा लॉस अनलॉक कर सकते हैं और किस फोन का विदाउट डाटा लॉस अनलॉक नहीं कर सकते। तो चलिए नीचे आते हैं, अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, अभी भी नहीं है। नीचे आते जा रहा हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर मॉडल नहीं ले रहा हूँ गाइस, मैं देख करके आपको, देखने का नजरिया आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी भी और नीचे चलते हैं, ब्राउन बस जो मुझे देखना था वो मुझे मिल चुका है। चलिए अब यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ, और देखिए सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे ऊपर आप देखिए ब्राउन ओनली लिखा हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे मेटा लिखा हुआ है, फैक्ट्री वन लिखा, सेफ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा मार्क करूंगा, चलिए तो देखिए गाइस आपने जो देखा ब्राउन, तो ये है आपका MTK CPU, कौन सा CPU है गाइस, और आपका जहां पे EDL है, EDL यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपका यहां पे EDL दिखाई देता है, EDL ये आपका हो जाएगा MSM मतलब आपका Qualcomm CPU हो जाएगा, कौन सा CPU हो जाएगा सर, Qualcomm CPU हो जाएगा।
तो सर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेफ, दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है सेफ। ये अगर आपका आपने गया सीधा अपने वीवो का Y15 सेलेक्ट किया और देखा MediaTek CPU था, कस्टमर कहता है डाटा बचा सकते कि नहीं बचा सकते, तो सर हम सीधे जाएंगे अनलॉक टू में जाएंगे, वीवो में जाएंगे, अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे और उसके आगे देखेंगे कि यहाँ पे सेफ लिखा है कि नहीं। अगर गाइस यहाँ पे सेफ लिखा हुआ है तो आप डाटा बचा सकते हैं, अगर सेफ नहीं लिखा है तो आप इस टूल से डाटा बचा नहीं सकते हैं। तो एक बार आपको UMT में ट्राई करना है और भी आपको टूल को ट्राई करना है। तो आपका सेफ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, आपको देखा सेफ तो आप डाटा बचा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेफ पे क्लिक करता हूँ, सेफ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ फॉर्मेट कीप डाटा, सेफ फॉर्मेट कीप डाटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको फटाफट से, चलिए आपको विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग करना है। अपने सीधे आपने अपना मॉडल ब्रांड देखा कि वीवो का ब्रांड का फोन था हमारा, फिर आपने अपना मॉडल सेलेक्ट किया तो हमने देख लिया कि हमारा ये हमारा मॉडल मिल गया गाइस। अब मॉडल मिलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे सेफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है गाइस सेफ, तो आप डाटा बचा सकते हैं। अगर यहाँ पर सेफ नहीं लिखा है जिसमें उस फोन का डाटा बचा नहीं सकते हैं, तो आपको जो ऑप्शन यूज करने हैं वो आपको सेफ फॉर्मेट कीप डाटा, इसमें आपका कस्टमर का केवल स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा और पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे बच जाएगा गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया अनलॉकिंग। और मान लीजिए सपोज कि नहीं हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे सेफ नहीं आ रहा है, मान लीजिए सेफ हमारा नहीं आ रहा है, यहाँ पे V15A है हमारे पास और यहाँ पे कीप डाटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको सीधा और सीधा फैक्ट्री रिसेट करना है। सेफ फॉर्मेट दिया है बट आपको एक बार ट्राई करना है, पर इसमें मैं श्योर नहीं कह सकता कि आपका डाटा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आपको अगर यहाँ पे सेफ फॉर्मेट कर देंगे तो इसमें आपका पूरा का पूरा डाटा लॉस हो जाएगा और स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी एनी MediaTek CPU का मेथड, चाहे वो ओप्पो का हो। ओप्पो का भी मैं स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा दिखा देता हूँ, ओप्पो ओप्पो की मैं बात करूं, देखिए हमें शुरू में ही दिखाई देगा ओप्पो A12 बेटा, मतलब बेटा मतलब आपका MediaTek CPU है, फैक्ट्री टू सेफ मेथड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेफ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे भी दिखाई देगा सेफ फॉर्मेट कीप डाटा। तो आप ओप्पो A12 का भी विदाउट डाटा लॉस अनलॉकिंग कर सकते हैं, देखते ही बता दोगे कि आप किस फोन का डाटा बचा सकते हैं और किस फोन का डाटा बचा नहीं सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत नॉलेजेबल लगी होगी, हर एक फाइलों की डिटेल, हर एक टैब मैं यहाँ पे नहीं कर सकता एक्सप्लेन, बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने एक टैब को उठा करके MTK का उसकी अनलॉकिंग, उसकी फ्लैशिंग मैंने आई होप बताने की कोशिश की है। आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको सॉफ्टवेयर की क्लास ज्वाइन करनी है तो फटाफट दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए और अपनी सीट बुक कराइए और यहाँ पे विथ प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। आई होप मैंने कोई भी चीज स्किप नहीं की है, हर एक चीज बताया आपको, चाहे वो फ्लैशिंग के बारे में हो, फ्लैशिंग के भी मैंने काफी सारा खुलासा किया है कि आप यहाँ पे जेनरिक में जा करके फ्लैश कर सकते हैं, आपका MI कार्ड नहीं आ रहा है तो आप MI कार्ड यूज कर सकते हैं, आपकी फाइल भी रिमूव नहीं हो रही है तो आप डायरेक्टली इसकी फाइल भी रिमूव कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी से फटाफट सीट बुक कराइए ऐसे टेलीकॉम दिए गए नंबर पे, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा होगा, तो फटाफट आप दिए गए नंबर पर कॉल करिए, फटाफट अपनी सीट बुक कराइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।